तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A52s जो 5G वाला मॉडल है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। ये नया अपडेट क्या है और क्या सिक्योरिटी अपडेट आई है आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे दोस्तों। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहां नीचे की तरफ आएंगे या ऊपर ही आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो आपको अपने मोबाइल के यहां पर नीचे की तरफ आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे जाना है या जाने के डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाना है और वहां पर आपको चेक कर लेना है। इस अपडेट को आपको चेक कर लेना है। चेक करने के आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट आया है और यहां पर आप देखेंगे व्हाट्स न्यू, इसमें क्या किया गया है। इसमें सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइसेस हैज बीन इंप्रूव्ड, यहां पर आपकी सिक्योरिटी को इंप्रूव किया गया है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू, यहां पर आपकी डिवाइस की स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव किया गया है और बग्स को फिक्स किया गया है, जो कि 1UI 4.0 अपडेट होने के बाद काफी बग्स थे A52s में, लाइक बैटरी ड्रेन होना और हैंगिंग मारना और भी बहुत सारे यहां पर बग्स को देखे गए थे, लाइक कॉलिंग में प्रॉक्सी सेंसर को वर्क नहीं करना। तो बहुत सारे यहां पर बग्स थे, हो सकता है इस अपडेट होने के बाद जो बग्स थे वो काफी हद तक वहां पर क्लियर हो जाए, वो उसके बाद पता चलेगा। इस अपडेट को मैं चला के देखूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें अपडेट में बग्स को फिक्स किया गया है या नहीं किया। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, जो कि लग रहा था कि अब जो अपडेट आएगा यहां पर उसमें 1UI 4.1 का अपडेट मिलेगा A52s में, वो यहां पर नहीं मिला है। यहां पर 1UI 4.0 ही है, यहां पर ओनली आपको फरवरी की सिक्योरिटी अपडेट कर दी गई है, जो कि पहले वहां पर जनवरी की फरवरी यहां पर जो पहले आपके डिवाइस में है जनवरी सिक्योरिटी अपडेटेड है, अब यहां पर सिर्फ आपको फरवरी का ही अपडेट मिला है, जो कि बहुत ही लेट है। अभी मार्च भी खत्म आने को आया है, मार्च की सिक्योरिटी अपडेट नहीं, आपको यहां पर फरवरी का मिला है। हो सकता है कि 10 से 15 दिन में आपको एक और नया अपडेट आए जिसमें 4.1 के साथ आपको मार्च की सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ इंप्रूव किया गया है, इनहांस कुछ नए फीचर्स को जोड़ा गया है और यहां पर फर्दर इंप्रूवमेंट करी गई है परफॉर्मेंस में। यहां पर मेन चीज आप देखेंगे इस अपडेट का साइज, जो कि है 207 MB.46 MB का, जो कि यहां पर सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 1 फरवरी 2022 का यहां पर दिया गया है। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताता हूं और भी क्या क्या चेंजेस मुझे लगे हैं। मेजर चेंजेस अगर होंगे तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, अगर कुछ माइनर चेंजेस होंगे तो उसके मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो अभी इसको अपडेट हो लेते हैं, अपडेट होने के बाद देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपको उसको डाउनलोड कर लेना, आपकी नेट की स्पीड के हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको होने देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर शेड्यूल इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहां पर जो भी सूटेबल लगे आपको उस पर क्लिक करना है। तो लाइक मैंने यहां पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा, मोबाइल यहां पर मेरा डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद वो प्रोसेस होना चालू हो जाएगी। तो अब इसको होने देते हैं, होने के बाद मैं आपको बताता हूं आगे। दोस्तों फाइनली ये हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद यहां पर हो गया इंस्टॉल। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मैं अपन ओपन करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर एक ऊपर की तरफ एक नोटिफिकेशन चल रही होगी, आपको ऊपर दिख भी रहा होगा एक अलग से यहां पर साइन बना रहा है, मतलब कि यहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। अब इसको पूरी एक्टिविटी को होने देते हैं। आप देख सकते हैं फाइनली यहां पर मेरा मोबाइल हो चुका है अपडेट और आपको यहां पर नीचे नोटिफिकेशन भी आ गई होगी। आप देख रहे होंगे योर फोन हैज बीन अपडेटेड, आपको दिख रहा होगा। आपको यहां से ओके करके यहां से यहां पर चले आना है आपको वापस अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां जाना है अपने मोबाइल में अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद यहां जाना है आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे यहां पर आपके पास 4.0 का ही है और नीचे एंड्रॉइड 12 है और साथ में यहां पर जो सिक्योरिटी आपको दिख रहा है गूगल पे सिस्टम जो है वो है फरवरी का और नीचे सिक्योरिटी अपडेट भी आपको यहां पर फरवरी की है। मतलब कि इसके अंदर मोस्टली यहां पर सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट को ही रोल आउट किया गया है, अभी कोई नॉर्मल फीचर्स अभी उन्होंने इनहांस नहीं करे जो कि 1UI 4.1 होने के बाद वहां पर आएंगे। जैसे ही 4.1 का अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा और इसकी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इस अपडेट होने के बाद जो मेजर जो बग्स थे वो फिक्स हुए हैं या नहीं हुए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उस वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।